वेल तो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर क्या कुछ अपडेट्स अभी लेटेस्ट देखने को मिल रही है इसके बारे में। रिकीसी चाहते हैं ब्लड लाइन 2.0 को ज्वाइन करना, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और बात करने वाले यहाँ पर भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेज जॉन सीना के आइकॉनिक मैच प्लान्स को लेकर। तो काफ़ी कुछ अपडेट्स होने वाली है इस वाली वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और यह हमें देखने को मिल रहा है जो कि है ट्रे बियर हिल को लेकर। ट्रे बियर हिल, अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना रहेगा, वैसे मैंने भी नाम नहीं सुना था, तो नाम मैंने यहाँ पर अभी रिसेंटली फाइटफुल सेलेक्ट का अपडेट चेक कर रहा था तो उस पर मुझे यहाँ पर ये नाम मिला, ट्रे बियर हिल, जिनको WWE NXT की तरफ से साइन किया गया था। अब मुझे लगता है कि वो जो WWE का हर हफ्ते जो रुकी सुपरस्टार्स को साइन करने को लेकर, एथलीट्स को साइन करने को लेकर जो सेशन देखने को मिलता है, उसमें यहाँ पर ट्रे बियर हिल को इन्होंने साइन किया रहेगा। तो इस सुपरस्टार को साइन करने के बाद WWE अब यहाँ पर रिलीज कर चुकी है, या मतलब इस सुपरस्टार को अभी रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि ट्रे बियर हिल को रिलीज कर दिया गया है WWE से। आई डोंट नो भाई, मतलब तुमको हायर ही नहीं करना है इस बंदे को, मतलब फिर इस बंदे को रिक्रूट ही क्यों करते हो और फिर रिलीज ही करना है। तो बाकी आप लोग का क्या कहना है भाई, कमेंट से बता सकते हो, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है द आइकॉनिक को लेकर। आइकॉनिक को आप सभी लोग जानते रहोगे, नहीं जानते हो मैं बताता हूँ। आइकॉनिक जो कि हमें देखने को मिलती थी इंस्पिरेशन TNA के अंदर, मतलब इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर, और WWE के अंदर आइकॉनिक के नाम से पेटन रॉयस के साथ में जो थी एक जीसी जिन थी, नहीं नाम नहीं अच्छे से याद आ रहा, बट पेटन रॉयस के साथ में एक और सुपरस्टार थी। तो यहाँ पर बिली के और पेटन रॉयस, तो यहाँ पर ये दोनों का जो टैग टीम है ये हमें WWE के अंदर देखने को मिलता था। तो जब इनको रिलीज़ किया गया था 2020 के फर्स्ट वेव में, जहाँ पर रिलीज़ किया जा रहा था सुपरस्टार्स को WWE से, तो उनमें यहाँ पर इनको भी रिलीज़ कर दिया गया था। तो रिलीज़ करने के बाद अभी रिपोर्ट्स क्या आई है कि भाई इनको हायर करने को लेकर, मतलब जैसे ही रिलीज़ किया गया था उसके कुछ ही समय बाद इनको हायर करने को लेकर WWE वापस मतलब हायर करना चाह रही थी, बट इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा, मतलब कि अभी हम लोग रिलीज़ हुए वापस से हमको हायर कर ले लोग, तो ये काफ़ी जल्द हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आइकॉनिक में से कोई भी बंदी, मतलब दोनों सुपरस्टार लेडी है, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं आना चाहता था WWE के अंदर उस टाइम पे। बट अभी फिलहाल के टाइम पे इनका मानना है कि भाई अब ये रिटर्न कर सकती है, क्योंकि पेटन रॉयस का रिसेंटली एक इंटरव्यू देखने को मिलता है जिसके अंदर वहां पर WWE रिटर्न को लेकर उनसे पूछा जाता है, जहां पर वो कहते हुए दिखाई देती हैं कि फिलहाल के टाइम पे वो रेडी है WWE रिटर्न करने के लिए, यानी कि पेटन रॉयस चाहती हैं कि वो WWE के अंदर अपना रिटर्न करवाएं। मुझे लगता है कि आइकॉनिक का रिटर्न तो होना ही चाहिए, बिकॉज मैं उनका थीम सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, बस बाकी ठीक ठाक है। वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर रिकीसी से रिलेटेड है। रिकीसी सभी लोग जानते हो द ब्लड लाइन, मतलब जो अभी 2.0 देखने को मिल रही है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो रिकीसी के ही है, और वैसे तो जेउसो जिमी उसो भी हैं। मतलब यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल रही है एक्चुअली कि भाई पॉल हेमन को काफ़ी ज़्यादा सताया जा रहा है, रोमन रेंस का नाम ले लेके यहाँ पर सोलो सिकोवा काफ़ी आगे बढ़े जा रहे हैं, तो रिकीसी यहाँ पर इसको लेकर एक काफ़ी बड़ी बात कहते हुए दिखाई देते हैं अपने एक इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पर रिकीसी का ये कहना है कि भाई देखो यार, फिलहाल के टाइम पे ब्लड लाइन 2.0 की जैसी भी स्टोरी लाइन चल रही है काफ़ी ठीक चल रही है, लेकिन अगर WWE यहाँ पर जो पॉल हेमन का जो जगह है वो भी ठीक ठाक है, बट अगर WWE यहाँ पर मुझे बुलाना चाहती है इस स्टोरी लाइन के अंदर, अगर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट बनता है, मैं तो फिलहाल वैसे बाहर हूँ, लेकिन अगर इस स्टोरी लाइन के अंदर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट बनता है तो मैं ओपन हूँ अपने रिटर्न के लिए और इस स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए। यानी कि रिकीसी चाहेंगे कि अगर WWE यहाँ पर इनको इन्वॉल्व करे ब्लड लाइन 2.0 के स्टोरी लाइन के अंदर, जहाँ पर सोलो सिकोवा, जेउसो, जिमी उसो, रोमन रेंस एंड सबका यहाँ पर सागा देखने को मिल सकता है, ब्लड लाइन सागा, तो इसमें रिकीसी चाहेंगे कि अगर WWE इनवाइट करे तो वो जरूर इस स्टोरी लाइन का हिस्सा बनना चाहेंगे। रिकीसी की तरफ से ऐसा कुछ देखने को मिलता है, मतलब अभी भी वो स्टिल चाहेंगे, मतलब एक मौका तो यहाँ पर इन्होंने खो दिया भाई रसलमेनिया वाला, जहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी रिकीसी को बुला सकते थे जे वर्सेस जिमी उसो के मैच में, वहाँ पर तो वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। बट अब यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि रिकीसी को अगर ब्लड लाइन 2.0 के स्टोरी लाइन के
अंदर बुलाया जाए तो वहाँ पर रिकेशी कुछ करते हुए दिखाई दे जाए, लेट्स सी, मतलब बस नाचते हुए ना दिखाई दे जाए, और भी बहुत कुछ कर सकते, ठीक है। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर द वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को लेकर देखने को मिल रहा है। तो भाई नेक्स्ट ईयर का रसलमेनिया 41 लास वेगस के लिए कंफर्म हो चुका है। तो लास वेगस ऑब्वियसली काफी ज्यादा पैसा कमा के डब्ल्यूडब्ल्यूई को देने वाला है, और रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना एक काफी बिग मनी मैच होने वाला है, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है। इस मैच को लेकर काफी लोग चाहते हैं कि यह मैच हो, और इवन यहां पर जॉन सीना ने अपने कुछ इंटरव्यूज के अंदर कह रखा कि भाई वो रैंडी ऑर्टन के साथ में अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच वो भी रसलमेनिया के अंदर रसल करना चाहते हैं, और इवन यहां पर रैंडी ऑर्टन भी इस चीज को लेकर तैयार है। तो जॉन सीना का शेड्यूल जो होने वाला है वो इस साल के एंड के बाद, जो कि WWE के साथ में काफ़ी ज़्यादा वो रिटर्न करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, जहां पर वो WWE के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और रसलमेनिया के लिए काफ़ी बढ़िया फ्यूड भी दे सकते हैं, अपने वो लास्ट रन भी बढ़िया से देना चाहेंगे। तो इसको लेकर जॉन सीना पहले ऑलरेडी कह चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर रसलमेनिया 41 के लिए अगर इनको कोई बहुत ही बढ़िया मैच दिया जाए तो वो मैच हो सकता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, और इसके रूमर अभी से ही उड़ने लगे हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना एक बड़ा मैच जो कि रसलमेनिया 41 के अंदर करवाया जा सकता है, और उससे पहले हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिले, जहां पर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को हरा दे, देन रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना देखने को मिले एंड रैंडी ऑर्टन को जॉन सीना हरा दे। लिटरली तुम समझ रहे हो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिक सागा बन जाएगा। बाकी मैं तो चाहता हूँ रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, रैंडी एज WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, एंड जॉन सीना फ्रेंड रसलमेनिया 41 का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्लियर एंड कट बन जाएगा। बाकी आप लोग क्या चाहते हो इसको लेकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस कर सकते हो। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं, अपने बात कर लेते हैं द बीस्टी बॉय द ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न क्या हमें समर स्लैम 2024 में देखने को मिलेगा? अब देखो यार, बातों की बातें हैं, रूमर्स के रूमर हैं, एंड इवन यहाँ पर अभी कोई क्लियर और कट अपडेट नहीं देखने को मिली है परफेक्ट कि भाई यहाँ ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में आएंगे, बट एक कयास रूमर लगाया जा रहा है कि मे बी हमें द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2024 के अंदर आ सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें समर स्लैम 2024 के अंदर सरप्राइज के तौर पर देखने को मिल सकता है। मतलब समर स्लैम से पहले ही अगर एक्चुअली में WWE स्टोरी लाइन और फ्यूड प्लान करती है तो मे बी हो सकता है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न समर स्लैम से पहले देखने को मिल जाए। अगर यहां पर WWE कुछ और प्लान करती है डायरेक्टली सरप्राइज, तो समर स्लैम में 2024 में देखने को मिल सकता है। अब आप लोग को पता ही होगा 2021 वाला याद आएगा समर स्लैम, जिसमें ब्रॉक लेसनर अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिटर्न करते हुए दिखाई दिए थे, तो एक्सपेक्ट यहां पर भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन माई छोड़नी नीचे ब्रॉक लेसनर को लेकर। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। इंस्टा ट्विटर व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ पर फॉलो भी कर लिया करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं वैसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्पेशली। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया सौ फेरा दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।